साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम लेके आए आपके लिए टीए में NIOS क्लास 10th उर्दू 2021-22, ठीक है, 22-2022 के जो आप बनने हैं अक्टूबर एग्जाम के लिए, पहले जो आपके 30 तारीख तक सबमिट करने, यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया करके बना दिए गए हैं और क्वेश्चन भी है, आंसर भी हैं, सॉल्व हैं, बस आपको यहाँ से उतारना है। पहला सवाल है, ईदगाह अफसाने की रोशनी में बताएं कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो इसका जवाब है, हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते वक्त उसकी बूढ़ी दादी अमीना के हाथ जल जाते थे, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था, इसलिए हामिद ने मेले में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। दूसरा सवाल है, इसके अंदर तहजीब की तारीफ बयान कीजिए। इसका जवाब है, दूसरे का बाहेसी गई। मुसन्निफ़ ने तहजीब की तारीफ कुछ इस तरह की है कि किसी भी मुल्क के रहने वाले आवाम की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े, रस्म व रिवाज, समाजी तरीक़े, तालीम और तरबियत के तरीक़े कहने का मतलब है कि वह तमाम चीज़ें जिससे वह अपनी एक अलग पहचान बनाता है उसको तहजीब कहते हैं। तीसरा सवाल है, मोमिया के सिलसिले में कबीर ने क्या बात कही है। कबीर दास ने कहा है कि लोग इस दुनिया में मोह मियाँ के मोह माया ध्यान रखिएगा कि जाल में इस तरह गिर जाते हैं कि वे कभी भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाते, उन लोगों की हकीकी ज़िंदगी का पता नहीं लग पाता है, वह हमेशा अपना सब कुछ मोह माया को ही मानते हैं, इस मोह माया के चक्कर में पढ़कर वे अपनों को भी भूल जाते हैं और उनको भी छोड़ देते हैं। ये है मोमाया का। अगला सवाल आपका जो चौथा है वो है, चकबिस्त की नज़म में कश्मीर की खूबसूरती को किस तरह पेश किया गया है। इसका जवाब है, चकबिस्त ने अपनी नज़म कश्मीर की खूबसूरती को इस तरह पेश किया है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर जाने से बरसों से बीमार शख्स एक पल में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कश्मीर के झरने, नदियां, नहर, फूलों की वादियां, मुख्तलिफ तरह के फल हैं, इससे रूह तरोताज़ा है, इसी वजह से कश्मीर को जन्नत कहा गया है। सवाल नंबर 5, वो सुनसान जंगल, आगे खाली जगह है, सारे जगमगाते हुए। अब इसके बाद सवाल, अलिफ इन अशार में शायर ने चांदनी रात में जंगल की खूबसूरत मंजर पेश किए हैं। शायर एक ऐसे जंगल का जिक्र कर रहा है जहां चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, आसमान पर चांद पूरी तरह से चमक रहा है, जिसकी रोशनी से पूरा जंगल चमक रहा है, जरा जर्रे से चांद की रोशनी में ऐसी चमक रहा है जैसे बेइंतहा छोटे छोटे चांद ज़मीन पर उतर आते हैं, और इसी रोशनी की वजह से जंगल की हर चीज़, पेड़ पौधे, घास फूस और फल कांटे वगैरह सब नूर में नहाए हुए मालूम हो रहे हैं। जंगल की हर चीज़ बहुत खूबसूरत मालूम हो रही है, जंगल इतना खामोश होता है कि भी इतना खामोश जंगल पहले ही इतना खामोश होता है और फिर भी लग रहा है कि आपको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब है सवाल नंबर 5, बड़ा इम्पोर्टेंट है सवाल नंबर 5 के, मसनवी के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। ज़बरदस्त सवाल है और देखिए इतनी आसानी से पीडीएफ कह रहा हूँ आपके लिए वीडियो मिल गई है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे चैनल पर ही बने रहिए। एडमिशन कराना हो, NIOS के असाइनमेंट से रिलेटेड पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, जो भी चीज़ हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मसनवी के अज्जाए तरकीबी 10 ज़ेले, मसनवी के अज्जाए तरकीबी 8 है, हम्द व मुनाजात, नात, मनाकबत, हुक्म व वक्त की मौजू, अपनी शायरी की तारीफ, मसनवी लिखने का सबब, किस्सा, वाकया, खात्मा, ठीक है जी। अब इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो ये है कि प्रोजेक्ट वर्क आ गया है कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की खसूसियात लिखिए, साथ ही ये बताएं कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, चंद मिसालें पेश करें।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जिसने भी सवाल बनाया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से उन्हें सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है इतना अच्छा क्वेश्चन जो है बड़ी क्लास का क्वेश्चन जो बच्चों से पूछना चाहिए सही है, ताकि बच्चे आगे के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सवाल का जो बनाने का अंदाज है वो लाजवाब है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के ऐसे शायर हैं जो कि शायराना सोच का अंदाज़ आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ रहा। उनकी ज़िंदगी फ़कीराना और दरवेशाना रंग में रंगी हुई थी, मतलब वह ज़िंदगी मामूली थी, कोई ज़्यादा दौलत की हवस नहीं थी। उनकी जो तस्वीर मिलती है उसमें भी वो एक दरवेश नज़र आते हैं, मतलब जो उनकी फ़ोटो वगैरह है उसमें भी एक दरवेश की शक्ल में ही नज़र आ रहे हैं। नज़ीर अवामी ज़िंदगी से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, मेलों ठेलों में खूब घूमते हैं। वो आगरा के मज़ारात, मंदिरों, मीठों और मजहबी जलसों जुलूसों में अक्सर जाते हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर त्योहारों, मेलों ठेलों पर अवामी ज़बान में खूब लिखा है, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह पर उनकी बहुत दिलचस्प नज़में हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में ज़िंदगी की चलती फिरती तस्वीरें पेश की हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो मामूली से मामूली बयान में फितरी अंदाज और दिलचस्पी पैदा कर देते हैं, इसी वजह से उनको अवामी शायर कहा जाता है। उनको आम चीज़ों से एक ख़ास उन्स और लगाव था, जैसा कि उनकी नज़्म कोरा बर्तन है जो अवामी दिलचस्पी की ख़ास नमूना है। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, जैसे कबूतरबाजी, पतंगबाजी और तरबूज वगैरह। तो देखिए, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है पसंद आ गई होगी। बहुत देखिए मेहनत करी है इसके लिए, आपकी तैयार करिए, और ये मैंने पूरा असाइनमेंट जो है आपका तैयार कर दिया है NIOS उर्दू का। देखिए, उर्दू में जितने भी असाइनमेंट बन रहे हैं सब की वीडियो आपको रोज़ाना, हो सकता है एक आध दिन में आपको दस्तियाब हो जाए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी अपडेट आपके मिलती रहेगी हम देते रहेंगे। तो लिहाजा आप फॉरवर्ड करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एडमिशन के लिए DU IGNOU NIOS आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर 9136183233। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। शुक्रिया।